हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से। चैप्टर है सम नेचुरल फेनोमेना ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट के वजह से कुछ फेनोमेनन होते हैं जो फिजिक्स में आप पढ़े हैं, है ना। स्कैटरिंग हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कंटेक्स्ट विथ द रेनबो। मतलब कि रेनबो में आपको रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जो रॉन्ग ऑप्शन है वो क्या है ये आपको बताना है। तो लिखा हुआ है पहला ए में, रेनबो इज अ कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। बिल्कुल, जो रेनबो होता है, रेनबो उसमें क्या क्या होता है बच्चों? रेनबो जो होता है उसमें होता है आपको डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन का मतलब जो है कि एक वाइट लाइट जो है वो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, रेनबो में ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है इसमें रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रेनबो का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों होता है। ओके, बी ऑप्शन में बोल रहा है कि व्हेन द लाइट रेज अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म। बिल्कुल, ये भी सही है। अगर रेनबो की बात करें, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन टू इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में सेकेंडरी रेनबो बनता है। क्लियर, सेकेंडरी रेनबो बनता है। ओके, सी में कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स इन सेकेंडरी रेनबो। ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ जो कलर होती है वो रिवर्स होती है, मतलब कि सबसे कम वाली ऊपर आती है। ऑर्डर ऑफ कलर्स रिवर्स, है ना, ऑर्डर ऑफ कलर्स रिवर्स इन सेकेंडरी रेनबो। रेनबो ये सही है। जो पहला स्टेटमेंट है ए, वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? गलत डी है। डी वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। और रॉन्ग है क्या है? आंसर है। ये कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर कैन सी द रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। मतलब कि सन के अगर सामने है तो रेनबो कह रहा है कि फॉर्म करता है। सन के सामने नहीं, कहने का मतलब है कि यहां पे सन है, यहां पर सन है, यहां पर, तो यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है मान लीजिए, तो रेनबो कहाँ बनता था? यहाँ बनता था, यहाँ, इधर, इस साइड में, आदमी के पीछे। ई कह रहा है कि आदमी, आदमी के आगे माने फ्रंट ऑफ सन, माने इधर बनेगा। ई कह रहा है इधर थोड़ा बनेगा, यहाँ रेनबो बनेगा, यहाँ पे। ये कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि इसके सामने बनेगा। गलत है। तो आपको आंसर में कौन हो गया? डी। आपको गलत सेलेक्ट करना था कि कौन ऑप्शन गलत है। बाकी ये तीन ऑप्शन सही है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ये कि रेनबो में डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। ओके, 2019 में ही पूछा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। पहली बात कि जो लैम्डा का होता है रेड का, वो सबसे ज्यादा होता है, और वॉयलेट का
सबसे कम होता है वॉयलेट का, लगभग इसका 400 नैनोमीटर लिखते हैं तो इसको लिखते हैं 800 नैनोमीटर, और इसी के बीच में सब होता है कि नहीं। येलो हो गया, इन दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए, बीच में येलो आ जाता है। तो कह रहा है कि लॉन्गेस्ट किसका होगा, तो आंसर जो होगा कौन होगा, बी हो जाएगा ना, रेड, रेड वाला का मैक्सिमम होगा। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 63, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल 10 डिग्री इज मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। दिस प्रिज्म इज कॉम्बाइंड विद द अनदर थिन प्रिज्म एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। दिस कॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द सेकेंडरी प्रिज्म इज, मतलब कह रहा है कि इसमें डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन इसको बोलते हैं, डेविएशन जीरो है, तो डेविएशन वन प्लस डेविएशन टू इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जीरो। तो डेविएशन वन इज इक्वल टू माइनस डेविएशन टू, ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, तो एक है इस तरह से है और दूसरा ऐसे है। तो ये वाला दिया हुआ है ए, है ना, और ये वाला दिया हुआ है ए डैश, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका है म्यू डैश। तो फार्मूला आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये वन है और ये टू है प्रिज, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला, म्यू माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस वन इंटू ए डैश। हमको कैलकुलेट करना है बच्चों ए डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए डिवाइडेड बटे म्यू डैश माइनस वन। अब यहाँ पर क्या है, म्यू, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.42 और म्यू डैश का वैल्यू दिया हुआ है 1.7 और ए का वैल्यू दिया हुआ है 10 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो म्यू, म्यू का वैल्यू है 1.42 माइनस वन इंटू ए, ए का मतलब है यहाँ पर 10 डिग्री डिवाइडेड बटे म्यू डैश, मतलब कि 1.7 माइनस वन ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ए डैश इज इक्वल टू 0.42 डिवाइडेड बटे 0.7 इंटू 10 डिग्री, तो इसको है ना 0.6 × 42। तो ए डैश इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 डिग्री, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 डिग्री, यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, द रेडिस अपियरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, यही होगा द स्कैटरिंग। यहाँ पर सन अगर है ऐसे, तो पता है इसके जब कलर, ये जो रे निकालती है तो इसमें 7 कलर होता है, तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है बच्चों, वायलेंट से ज़्यादा होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका स्पीड भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो रेड का स्पीड वायलेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। रेड का स्पीड जो होगा वायलेंट से ज़्यादा होगा, तो हमारे पास पहुँच कौन पाती है, ड्यू टू स्कैटरिंग रेड। तो आसपास का इन्वायरमेंट क्या नज़र आता है, रेड नज़र आता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए, मतलब कि स्कैटरिंग होगा, क्या होगा बच्चों, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के वजह से ये होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, अ थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 इज कॉम्बाइंड विथ अनदर प्रिज्म ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2.75। द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म्स प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, द एंगल ऑफ सेकेंड प्रिज्म वुड बी, अभी ये क्वेश्चन बताए थे कि डेविएशन इसमें क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो दो प्रिज्म है तो डेल्टा 1 + डेल्टा 2 जीरो हो गया, यानी डेल 1 = क्या हो गया, -डेल 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक का
पहला का लिखते हैं माइनस वन, और फिर क्या लिखते हैं माइनस ए टू लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं म्यू टू, और माइनस कितना हो गया वन हो गया, ऐसे हुआ को डाउट नहीं। तो ए टू इज इक्वल टू जो होगा ए टू इज इक्वल टू वो माइनस ए वन होगा, यहाँ पर क्या होगा म्यू वन और माइनस वन और डिवाइडेड बटे क्या होगा म्यू टू और माइनस वन, इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया ए टू इज इक्वल टू ए वन, तो ए वन इज इक्वल टू कितना हो गया पंद्रह, म्यू वन, म्यू वन का वैल्यू आपको दिया हुआ सवाल में, यहाँ पर म्यू वन जो दिया हुआ है वो है 1.5, और म्यू टू इज इक्वल टू दिया हुआ है म्यू टू, ए वन इज इक्वल टू 15 डिग्री, ए वन इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो यहां पर क्या हो गया म्यू वन और म्यू टू का वैल्यू क्या हुआ 1.75। तो यहां पर क्या होगा ए टू इज इक्वल टू 15 इन टू 0.5 डिवाइडेड बटे 0.75, यहां पर हो गया 15 गुणे 5/10 लिख सकते हैं यहां पर, इसके लिए इसके लिए क्या कर सकते 75/100 लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा बिल्कुल होगा, और ये हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर। तो इसको आप सोल्व करेंगे ए टू इज इक्वल टू, तो देखिए क्या मिलेगा 15 मिलेगा, नीचे में 3 मिलेगा, ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, आ ये बेचारा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा और यहाँ से ये 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा ए टू इज इक्वल टू आएगा 10 डिग्री, और यही हो गया आंसर। कोई डाउट, ए टू इक्वल टू आया 10 डिग्री, तो आंसर क्या होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन। तो रेनबो में तो जो पहला ऑप्शन है वो स्कैटरिंग है एंड रिफ्रैक्शन है, तो स्कैटरिंग नहीं होता है रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बी में कि इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, सी में लिखा है रिफ्लेक्शन ओनली, और डी में लिखा है डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। तो सबसे अच्छा कौन है, बी है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन। अगर रेनबो की बात आए, इसका बच्चों रेनबो, अगर रेनबो की बात आए तो आपको क्या लिखेंगे, आपको लिखना है इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन, ये होगा। ओके, तो ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन तो बी मिल रहा है, तो बी करेक्ट है। अगर रेनबो का डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन ये दोनों मस्ट है, इसके बिना हो ही नहीं सकता, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है ना। और डिस्पर्सन का मतलब होता है वो जो भी सनलाइट जाएगा उस पर तो वो 7 कलर में हमको वो डिस्ट्रीब्यूट करके देगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो हमको क्लियर विजिबल होती है, ऐसा बात है। क्वेश्चन नंबर 67, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू फेनोमेनन, जैसे स्काई है वो ब्लू नजर आती है, इसका मेन वजह क्या है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसका मुख्य वजह है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इसका मुख्य वजह है ना बच्चों, क्या है इसका मुख्य वजह है स्कैटरिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज एपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिंस। कह रहा है ना कि अगर लार्ज उसका फोकल लेंथ रख दे ऑब्जेक्टिव का,
और उसका एपर्चर भी क्या कर दें, लास्ट बड़ा कर दें। एपर्चर का मतलब हुआ इसकी बात करता है, ये वाला अगर बड़ा कर देंगे तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये पूरा हम इसको डी मान लिए हैं, क्लियर। तो क्या होगा ये पूछता है, कोई ऑब्जेक्टिव एक लेंस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में, तो उसका फोकल लेंथ और उसका एपर्चर अगर बढ़ाया जाए तो क्या हो सकता है। पहला लिखा हुआ है ऑप्शन में कि अ लार्ज एपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। बिल्कुल, अगर बड़ा एपर्चर होगा ना तो विजिबिलिटी ज़्यादा होगा, ये एकदम क्लियर बात है कि विजिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, एपर्चर बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ जाती है। बी में है अ लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर। अब ये बड़ा होगा ये अपर्चर, तो लाइट को ज़्यादा कलेक्ट करेगा, यहाँ से रे जाएगी तो बड़ा लेंस होगा तो ज़्यादा लाइट वो मिलेगा इसको, ठीक है। तो ए भी इस ऑप्शन सही है, बी भी सही बोल रहा है। सी कह रहा है कि अ लार्ज एपर्चर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लार्ज जो एपर्चर होता है वो बेटर रेजोल्यूशन देता है। तो डी में क्या है, ऑल द एबव, डी क्या है, ऑल द एबव, तो डी ही आंसर होगा। डी क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, है ना, क्योंकि डी में कह रहा है कि ऑल द एबव मतलब कि सभी सही है, क्लियर। 68 के बाद है आपको 69 क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई, ओके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन टू इन्फिनिटी, द टाइप ऑफ पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस द पर्सन हैज टू यूज विल बी। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आपको रेंज दे रखा है ना, मतलब कि रेंज आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि आपको बताना है करेक्टिव पावर, तो 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहते हैं मैक्सिमम का, तो यहाँ पर भी इजिकल टू क्या हो जाएगा, -400 सेंटीमीटर, अगर बात करें तो -4 मीटर भी लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे कह रहा है, ओके। तो यहाँ से लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके 1/v 1/u इजिकल टू 1/f के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर मिलेगा 1/4 मीटर में है, और क्या होगा बंधु, यहाँ पर हो गया 1/∞ इजिकल टू 1/f, तो 1/f इजिकल टू कितना आ गया, -1/4 आ गया। इसको क्या कहते हैं, पावर, तो यहाँ पर क्या हो गया, P इजिकल टू -1/4, इसको लिखेंगे P इजिकल टू माइनस 0.25 डी, ऐसे लिखेंगे, समझ में आया। तो -0.25 और ये पावर निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव, क्या होगा बच्चों, कॉनकेव, कोई प्रॉब्लम, ओके। अब बात हो रही है 70 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, क्लियर। अब देखो भाई, पहले क्या क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है, एफ ओ इजिकल टू 40 सेंटीमीटर और एफ ई इजिकल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है, ओके। और यू जो ओ दिया हुआ है, यू ओ 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
तो लेंथ जो होता है ना, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो होता है वी ओ प्लस एफ ई होता है। तो एफ ई तो आपके पास दिया हुआ है, ये आप वी ओ तो नहीं दिया हुआ है, तो आप वी ओ निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? वन बटे वी ओ माइनस वन बटे यू ओ इज इक्वल टू वन बटे एफ ओ। तो यहाँ पर लिखेंगे वन बटे वी ओ इज इक्वल टू वन बटे यू ओ प्लस वन बटे एफ ओ। वन बाई वी ओ इज इक्वल टू वन बटे यू ओ, यू ओ का मतलब है यहाँ पर वन बटे टू हंड्रेड सेंटीमीटर, समझे? अब प्लस एफ ओ, एफ ओ का मतलब हुआ 40। तो यहाँ पर क्या हो गया 140 माइनस 200, इस तरह से। तो वन बटे वी ओ इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, तो 200 माइनस 40 डिवाइडेड बटे 40 इंटू 200, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हो गया 160 डिवाइडेड बटे 40, और फिर लिखेंगे 200, है कि नहीं? तो ये और ये कट जाएगा, तो कितना में कटेगा? 4 में कटेगा। चलो भाई, वी ओ इज इक्वल टू क्या मिला? वी ओ इज इक्वल टू मिला आपको 200 डिवाइडेड बटे 4, ये कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। यानी वी ओ इज इक्वल टू आ गया 50 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ ऑफ ट्यूब निकालना था, तो वी ओ प्लस एफ ई, तो वी ओ तो हमने निकाला 50 और एफ 4, तो ये हो गया आपको 54 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पाइप, और यही होगा आंसर। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज हम लोग 70 तक सॉल्व किए हैं, और इधर हम लोग तीन क्लास वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाए, वो टेक्निकल इशू था, और फिर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। तो आज हम लोग 70 तक सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे 77, मतलब कि 7 क्वेश्चन और है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे और फिनिश करके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में एंट्री लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।